हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। सो सुबह हो चुकी है काफ़ी जल्दी और बस अभी मैं जा रहा हूँ नीचे नाश्ता वगैरह लेकर आ जाता हूँ, फिर नाश्ता पटा कर मुझे निकलना है नए वाले घर पे। थोड़ा सा काम पेंडिंग है, एक अम्मी के रूम का एक साइड का वॉलपेपर लगना है और एक जो चौथा बेडरूम है उसके बेडरूम के दो वॉल्स है जहाँ पर वहाँ पर भी वॉलपेपर लगने वाला है, तो अब फटाफट वो जाके फिर वो भी काम पटाना है, फिर उसके बाद वहाँ का काम ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगा। चलिए अभी फटाफट नाश्ता वगैरह करके फारिग होते हैं, फिर इंशाल्लाह उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ। बने रहिएगा इस वीडियो में, मिलता है आपसे टाइम बाद। सो गाइज, काफ़ी टाइम से मैं यही नए वाले घर पे ही हूँ और काफ़ी टाइम से मैंने कुछ शूट भी नहीं किया है, तो काम वगैरह जो था वो ऑलमोस्ट हो गया है। बस खाली अभी थोड़ा ये जो फर्नीचर आया है ना, ये कैसा है ना, चढ़ाने के टाइम पर थोड़ा सीन हो गया था, तो बस वो भाई इसकी पॉलिशिंग वगैरह कर रहे हैं, तो एक 10 मिनट का काम है, फिर मैं आपको दिखा देता हूँ। अम्मी के रूम का वॉलपेपर्स कंप्लीट हो गया, वो बेडरूम आपको मैं दिखा देता हूँ, प्लीज़ कमेंट करके बताना कि कैसा लग रहा है, क्योंकि अब अम्मी की चॉइस थोड़ी अलग होती है तो उनके हिसाब से वो बेडरूम कस्टमाइज़ किया गया। तो खैर कोई बात नहीं, चलिए निकलने के टाइम पर आपको मैं शूट करके दिखा दूँगा, फिर मिलता हूँ आपसे थोड़े टाइम में। गाइज़ बने रहिए वीडियो में। सो गाइज़, ये रहा अम्मी का बेडरूम, ठीक है। लोग बोल रहे थे शेर हमारे रूम में है, बच्चा डर जाएगा, तो हमारे रूम में नहीं है तो बच्चा डरने की टेंशन नहीं है उसमें, ठीक है। ये देखिए, ये है अम्मी का बेड, पूरा कार्विंग वाला काम है गाइस इसमें, ठीक है। और ये ऊपर की फॉल सीलिंग, और ये वाला जो वॉलपेपर है ये आज लगा है, ठीक है। ये देखो कर्टेंस वगैरह सारी चीजें लग चुकी है, ये देखो बेड फिनिश। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कैसे लग रहा है। सो गाइज, मैं ये बोल रहा था कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसा लग रहा है, और ये वॉलपेपर जहाँ से हमने लिया है उनकी आईडी वगैरह मैं यहाँ पे साइड में मेंशन कर दूंगा। नेशनल वॉलपेपर यहाँ का हम गए थे प्रमोशन करने, बट एक चीज़ और क्लियर कर दूंगा, ये सारी चीज़ें पेड है गाइज, ठीक है। हमने ये प्रमोशन के तौर पर ये सारी चीज़ें नहीं लगवाई है, इसकी पेमेंट किया है हमने। चाहिए तो आप अगर वहाँ पे डायरेक्टली कांटेक्ट करोगे नवाब भाई को, तो नवाब भाई भी खुद वहाँ के ओनर बता देंगे कि हमने पेमेंट किया है, फ्री में नहीं लगवाया, ठीक है। और अगर किसी को और भी कोई चीज़ों का कांटेक्ट चाहिए, कोई भी डिटेल्स, जैसे कर्टेन वाला हो गया, बेड हो गया, वॉलपेपर या झूमर, फॉल सीलिंग का काम, या कोई भी काम अगर आपको चेक करवाना है, ठीक है, अगर आपको कोई भी किसी का भी नंबर वगैरह कुछ भी चाहिए तो प्लीज़ कॉमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, ये तो दिखाया नहीं है, देखो ये ऊपर एक लाइट है। चलो ठीक है गाइस, अभी मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, घर पहुँचता हूँ, घर पहुँच के आपसे मिलता हूँ, बने रहिएगा इस वीडियो में, मिलता है आपसे थोड़े टाइम बाद। सो गाइस, जैसे कि कमेंट था कि शेरिन अभी बहाना करके बीमार है तो जाएगी नहीं बैंड्रा, तो शायद नहीं जाने वाली हूँ, तो अभी मैं जा रही हूँ। काकू का बर्थडे आज, तो काकू के लिए केक मंगाया हमने, तभी जा रहे पहले काकू के यहाँ पहुँचते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आपसे मिलते हैं, बने रहिए वीडियो में। काकू को पाइनएप्पल केक पसंद है, मुझे इतना डाउट था तो बराबर पाइनएप्पल ले ली, मैं चॉकलेट फ्लेवर नहीं ली, क्योंकि काका चाकू चॉकलेट फ्लेवर नहीं खाते, इसके लिए अगर हम लोग केक खा देंगे। और हमारा शेरू बीमार है, बुखार चढ़ी है, वेदर चेंज हो गया ना इसके लिए। सलाम कर सबको, हाँ ये देखो सबको सलाम करते हैं। सो गाइस, ज़ैनब गई थी टाउन, तो उसको ये ग्रेट दिख गए, तो उसको याद आया, तो देखो ऐसा लग रहा है हकीकत में झाड़ से उखाड़ के ले गया दीदी ने, तोड़ के भी नहीं, उखाड़ के लाया पूरा, वो नकली वाला दिख रहा है, टैक्सी में लगा रहता है, टैक्सी में लगा रहा है, वैसा लग रहा है। और ये तो पता है गाइस, एक बार आप लोग भी जरूर ट्राई करना, मस्कत ग्रीन ग्रेप्स जरूर ट्राई करना, ये बहुत अच्छा है और बहुत मीठा रहता है, खट्टा लगता ही नहीं, एकदम साफ है, एकदम क्लीन है, शाइन मार रहा है, बाहर की चीज बाहर की होती है। सो गाइज, हम लोग निकल गए थे काफ़ी देर तक, अम्मी के यहाँ बैठे थे, अम्मी को अम्मी थे हॉस्पिटल में, कैब गए थे लेने के लिए अम्मी को, और सीन ये हो गया कि कैब पहुँचे
तो जैनब का भी थोड़ा बहुत जैनब चेकअप करा रही थी, तो रूबी दीदी के साथ अम्मी आ गए बैठ के बाइक पे, फिर जैनब आ गई कैफ के साथ बैठ के बाइक पे, तो चलो अच्छा है दोनों जन को लेके आ गए के। और फिर उसके बाद में नीचे ही बैठे थे, अलीना को छोड़े अम्मी के यहाँ पर, फिर उसके बाद में घर पे गए। घर पे जाने के बाद काफ़ी देर तक बैठे थे, ऐसी हंसी मजाक हो रहा था। और कैफ गए थे अम्मी की मेडिसिन लेने, वो भी शूट नहीं करेंगे ना तुम, तो अम्मी की एक मेडिसिन थी जो अम्मी की मेडिसिन नहीं थी, उस वजह से अम्मी की थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी, जो मेडिसिन अम्मी ने पिछले दो दिन से नहीं खाई थी, और वो मेडिसिन बहुत ज़रूरी है अम्मी की खाना, और कैसे अम्मी को शुगर है और वो मेडिसिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अम्मी ने वो खाए नहीं थे, और वो मेन मेडिसिन वो शुगर की ही है, तो अम्मी ने वो खाए नहीं, तो खाने नहीं खाने की वजह से क्या हो गया कि कल अम्मी जब बॉम्बे आए गए ये वो ट्रैवल वेवल करे धूप में, फिर खड़े रहे ये वो, तो अम्मी थोड़ा डिहाइड्रेट हो गया, फिर उसके बाद अम्मी का शुगर लेवल थोड़ा सा बढ़ गया। अब शुगर लेवल थोड़ा सा बढ़ गया तो गोली तो खाए नहीं थे, फिर अम्मी रात को आए घर पर, रात को आने के बाद अम्मी को हल्की हल्की बुखार चढ़ना चालू, तो फिर अम्मी सो गए नहावा के, नहावा के सोने के बाद सुबह तक अम्मी सुस्त हो गए, तो फिर उसके बाद में अम्मी दोपहर तक सोची कि शायद नॉर्मल हो जाएंगे, बट नॉर्मल नहीं हुए, तो फिर उसके बाद में थोड़ा बॉडी पेन ही सब होने लगा, तो अम्मी गए थे ग्लूकोज चढ़ाने के लिए, ग्लूकोज चढ़ाए, फिर उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी थोड़े बेटर फील करे, तो वही दवा लेने गए थे कैफ, और फिर उसके अंदर अम्मी की थोड़ा रूटीन चेकअप भी है, अम्मी की दवा तो लिया ही साथ में इसकी भी, मेरी भी, हाँ मेरी भी दो दवा थी, दो की तीन, दो दो दवा थी, तो वो दो दवा भी मेरी लेके आ गए कैफ, और मैं हम लोग फिर उसके बाद में पहले सोचे कि हम लोग बाइक से जाएंगे, क्योंकि बाइक से इसलिए सोचे थे कि हम लोग बोले कि फटाफट बाइक से निकल लेंगे, मम्मी ने बोला नहीं बाइक से मत जाओ, गाड़ी से जाओ, गाड़ी से जाओ, गाड़ी से जाओ, चिल्ला रहे थे। और कल भी उस दिन भी मैं ऑटो से गई तो उसके ऊपर से भी मेरे को इतनी बात सुननी पड़ी, जैनब ने भी चिल्लाए बोले तुम लोग अक्का लेके गाड़ी लेके तुम लोग, तो मैंने लिखी इसकी तबीयत सही नहीं थी क्योंकि इसकी वजह से ये सोच के हम लोग गाड़ी या बाइक लेके नहीं गए कि भाई आराम से आज थोड़ा एक दिन रेस्ट करेंगे सोच के ये, बट अम्मी चिल्ला रहे थे। अभी भी हम लोग नहीं थे इसमें कार वाले ने, बट अम्मी बोले कि नहीं तुम लोग खड़ी है गाड़ी, तुम लोग लेके क्यों नहीं जाते, सुनते क्यों नहीं ये वो, फिर हमें हम लोग बोले ठीक है, फिर उसके बाद में गाड़ी लेके अभी निकले, और बस टाइम हो रहा है 10:39 और अभी बस जाना है, और अभी कुछ खाने के लिए बोलते हैं कि खाने के लिए ये कैफे को, कैफ और सैफ को कुछ खाने के लिए, कैफ और सैफ और मम्मी लोग को कुछ खाने के लिए लोग, क्योंकि मैं तो रात का खाना नहीं खाऊंगी, मैं रात का खाना स्किप कर रही हूँ अभी फिलहाल के लिए, मैं फ्रूट खाऊंगी रात को, इसके लिए मैं नहीं खा लूँ, तो मम्मी ने भी कुछ बनाए नहीं, तो बोले कि लोग सब लोग बाहर से ही कुछ खा लेंगे, हाँ वही तीन जने लोग बाहर से खा लेंगे, मैं एक चौथा पर्सन और मेरे अंदर का एक पर्सन वो फ्रूट खाएगा बस। तो बस अभी हम लोग ऑलमोस्ट क्या पहुँच ही गए, बांद्रा एंटर कर चुके हैं, और क्या, और कुछ नहीं गाइस, कुछ समझ आ रहा नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा मेरे को। तो गाइस अभी लक्की के पीछे जो भटियारे हैं वहाँ से मैंने अभी सालन ले लिया है, मम्मी बोले कि मैं चावल बना रही हूँ तो खाली सालन और खीमा लिया है मैंने और तंदूरी रोटी ले लियो, यहाँ का खाना बहुत अच्छा रहता है, अगर कोई बांद्रा का है सबको तो पता ही है, सब यहाँ का खा चुके होंगे, तो अभी मैंने ले लिया घर पहुँच के आपसे मिलते, बने रहिए वीडियो। तो गाइस घर पर आए, खाना वाना खाए, और देखो ये जानीमास देखो इतनी प्यारी है, एक और है जानीमास, वो इंशाल्लाह आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में दिखेगी वो जानीमास, ये वाली देखो कितनी प्यारी जानीमास लेके आए, और एक ग्रे कलर की भी है, ग्रे एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन, ग्रे एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन है, बहुत प्यारी लग रही है, वॉक देखो इसको, बहुत प्यारी जानीमास। और खाना वाना खाते साथ ही ये आदमी का पैर कट गया, घर में खून खून कर दिए थे, मैं इसको बोला शूट कर, इसने की नहीं, तो अभी बस सोने जा रहे हैं हम लोग, सुबह उठना जल्दी, और एक जाने माँ जो आप लोगों को इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में देखेंगे वो मेरे को बहुत ज्यादा पसंद आई, खास खास देख लेना, हाँ खास किसके लिए वो आप लोगों को इंशाल्लाह आगे मालूम पड़ेगा, और वो ब्लॉग जरूर देखना भूलना मत, और बहुत ही प्यारी लगी मेरी तो, एकदम नजर ही बैठ गई वो जानीमास पे, वो पूरी तरीके से खुली भी नहीं थी तभी हम लोग ने देख लिया और हमारे दिमाग में बैठ गई, यस, बट कोई नहीं, अम्मी ने नियत किए देने की तो फिर अलग बात है, अगर नियत नहीं रही थी तो हम लोग छीन लेते। बहुत प्यारी है माशाल्लाह। चलो गाइस बस यही का तो मत आज का दिन है, होप आप लोग को वीडियो पसंद आएगा, पसंद है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, प्यार देते रहना, प्यार बढ़ाते रहना, इंशाल्लाह मिलेंगे जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़ गाइस, कीप सपोर्टिंग एंड कीप लविंग, अल्लाह हाफिज़।